हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, यानी जो वैकेंसी है वो 2018 में निकाली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, पर जो उसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 6 जनवरी 2019 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 है और मार्क्स कितने हैं इसमें, 300 मार्क्स हैं। 3 आवर्स का टाइम दिया गया है, 3 घंटे का समय। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार किस तरह से क्वेश्चन आए थे और किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस रेन की हत्या से है, मिस्टर रेन की हत्या से है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का चापेकर बंधु। आई होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या माना गया था, ऑप्शन नंबर सी चापेकर बंधु। ये आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर डैश सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरला देवी चौधरानी। क्वेश्चन नंबर 5, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को यूरोप का सिख मैन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसिसियो द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1749। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पीतरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इमतादुल्ला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये सभी क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। देखिए अब इसमें राजस्थान के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महाराजा तखत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संत हरिदास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रताप। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्लाह जिलाई बाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पनिहारी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, 18 का राइट आंसर यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ गागरोन, ये यहां से संबंधित नहीं है, बाबूजी का जो जन्म स्थान यहां पर दिए गए हैं वो मैच करना है, तो यहां पर जो गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बाबूजी कोलू तेजाजी खरनाल और रामदेव जी रामदेवरा।
क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आमेर की हवेलियाँ। चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ का किला, ये सभी ऐतिहासिक धरोहर में यूनेस्को ने शामिल की हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहार सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 21, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां स्मारक अवस्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहार उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजरूपक। राजरूपक के लेखक कौन थे? वीरभान। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 24, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बोजी। क्वेश्चन नंबर 25, सर वी टी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, नहर सागर कुंड। ये करौली जिले में स्थित नहीं है। तिमानगढ़ दुर्ग, रामतरा दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, ये सभी करौली में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किस से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी, ये खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, करणी माता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कवि राज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर विनोद। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, कविराज श्यामल दास की रचित कृति है वीर विनोद। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर सभ्यता। इसी को क्या कहते हैं? ताम्रनगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, सीकर। क्वेश्चन नंबर 32, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 33, पैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य जनपद की। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रावण माह में। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पगड़ी। क्वेश्चन नंबर 37, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडन। क्वेश्चन नंबर 38, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा उम्मेद सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 40, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि मान ने। राजविलास की रचना की थी कवि मान ने। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? अब ये आगे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबाड़ी वाद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर दिया गया है, चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4 इसमें राइट दिए गए हैं, यानी इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और थर्ड इसमें दिया गया है, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। फोर्थ है, यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का परीक्षण करता है। तो ये इसमें तीनों आपके 1, 3 और 4 इसमें कथन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थानापन्न प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 46, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? 46 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का समीक्षण विस्तार से करती है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है 14 नवंबर 2011। 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के गवार के कुल निर्यात में भारत के गवार के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो ये थोड़ा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किया गया है आपका, 51 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, वर्ष 17-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया था उस टाइम ऑप्शन नंबर डी, 55.2%। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54, भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया था? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1994। क्वेश्चन नंबर 55, इस वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका 55 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिलीट किया गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता यानी डिवोर्स जो है महिलाएं, उन वो सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगी, उन सभी को ये एकल नारी सम्मान पेंशन जो है वो प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा? 57 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड स्टोन को। क्वेश्चन नंबर 59, बजट में राजस्व घाटा होता है? 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्व व्यय कम होता है और राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा राजस्व व्यय ज़्यादा कम होता है, उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या माना गया है ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपद्रा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यह परियोजना SPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है, यह यहाँ पर सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक बार इसके ऑप्शन और देख लेते हैं, यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, ये कथन सही है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपये है और ऑप्शन डी है, इसमें SPCL का हिस्सा 74% है। तो ये तीनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज ई वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सितंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आपके आ गया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पेन। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OCR। क्वेश्चन नंबर 65, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को
क्या नाम दिया गया है? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये कौन सा ऐप है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर ये ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर हम देखेंगे QR कोड में कितने पोजिशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 69, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिज़ाइन किया गया है? उसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया था 70 का, आपका ऑप्शन नंबर 70 का राइट आंसर माना गया है बी, 19 मार्च से 21 मार्च, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, ये आपके काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपका 71 का ऑप्शन नंबर बी, पिक्स मैप। क्वेश्चन नंबर 72, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनसाइट, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 73, किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 74, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ULSI में। क्वेश्चन नंबर 76, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा में, मैग्नीज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान के किस जिले में आकलवुर फॉसिल पार्क स्थित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 80, बेला डीला खान संबंधित है? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहो अयस्क से। क्वेश्चन नंबर 81, अब क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? 81 का राइट आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में उस समय। क्वेश्चन नंबर 82, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानस जो अभयारण्य है वो असम में स्थित है, वन्य जीव अभयारण्य आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 83, मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? 83 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तो राजस्थान में स्थित है आपका। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला मगरा व नाली है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूराल पर्वत ब्राज़ील, यानी ये यहाँ पर संबंधित नहीं है। ऑपरेशन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, प्रेनेस पर्वत फ्रांस में है, सिनलिंग पर्वत ये चीन में है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा समूहन गलत है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 86 का ऑप्शन नंबर डी, सेनवाइल वन्य जीव अभयारण्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका वर्ल्ड से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 86 का आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन से। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? 88 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लम्प क्रीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्लम्प क्रीक ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, सर क्रीक, गोड़िया क्रीक और कोरी क्रीक ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है, तो इसका राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, 15 जिले। क्वेश्चन नंबर 90,
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नांकित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? 91 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है? 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग यानी थीम पूछी गई है, करंट का क्वेश्चन है। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? 94 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल की पीएच मान कितना होता है? 5.6, ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 95, 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है, ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर 96, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है? 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल। क्वेश्चन नंबर 97, अनुवंशिक रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार डैश की कमी से लड़ने के लिए किया गया था? 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए के लिए। क्वेश्चन, गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, हृदय में थैबेसियन वॉल्व पाया जाता है? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाएं आलिंद में। क्वेश्चन नंबर 99, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया है 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए, ए का सेकंड आ जाएगा आपका, यानी गुणसूत्र 13 ये आ जाते हैं पटाव सिंड्रोम, और सेकंड का आपका माना गया है, यानी आपका सेकंड का माना गया है, सेकंड का आपका आ जाएगा बी का थर्ड आ जाएगा, त्रिगुण सूत्रता यानी गुणसूत्र 18 का आ जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम, गुणसूत्र 13 पटाव सिंड्रोम, और एक गुणसूत्र 21 जो आता है ये आ जाता है डाउन सिंड्रोम, इसका राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय संवर्धन, ये आपके साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेबिक्यूले कॉर्ने। क्वेश्चन नंबर 103, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन से। क्वेश्चन नंबर 104, कुक का और नेट काउंट का उपयोग डैश की गणना के लिए किया जाता है? 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा विटामिन युक्त जल में घुलनशील नहीं है? 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफ्रोल और रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है? 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 107, वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 108, टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक प्रिजर्वेटिव है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 109, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है? 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करक्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 110, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है? 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे के द्वारा। 110 का राइट आंसर बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 111, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 112, नायलॉन रेसे बने होते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएमाइड बहुलक से। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर प्लेटिनम PT तार का चमकना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 114,
14 निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में डैश इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया है 114 का ऑप्शन नंबर बी CO अपचायक अभिकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, आप देख सकते हैं साइंस के भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन ले गए हैं। नीले रंग का खनिज लैपिस लजुली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 116 आ जाएगा आपका, देखिए ये आपके आ चुके हैं मैथ के सवाल, तो मैथ के सवाल यहाँ पर हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा, बट आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर आप इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अभी। तो इंग्लिश से पहले हम देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के इसमें लास्ट में लिए गए हैं। हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। 131 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्मुख और आमुक, यहाँ पर सही विलोम नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी धनंजय पार्थ कौंतेय गुड़ाकेश, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 133, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संज्ञा संबंधी, यहाँ पर अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 134, जिसकी कोई संतान नहीं हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 134 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निसंतान, यानी जिसकी कोई संतान नहीं हो उसको कहते हैं निसंतान। क्वेश्चन नंबर 135, विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है, इसका यहाँ पर हिंदी मीनिंग पूछा गया है। 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानाफूसी करना। क्वेश्चन नंबर 136, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गो प्लस एशना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 136 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, वाचिक का प्रभाव किस पर पड़ता है। 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 137 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्रिया पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाच्य का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गाया। क्वेश्चन नंबर 139, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 139 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर सत उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 140, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है। 140 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हाथ फैलाना, यानी किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाएंगे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग ब्लो, सी इज समटाइम्स क्लेवर, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी माना गया है, सी इज़ नॉट ऑलवेज स्टूपिड। क्वेश्चन नंबर 142, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दैट रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। 142 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो डैश दिया गया है द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 143, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइनिंग वेदर सब्जेक्ट एग्रीज इन नंबर विद द वर्ब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 143 का, जैक अलोंग विद सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड इज शेयरिंग अ कार टू अटेंड अ वेडिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 144, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, 144 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 145, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, सी आस्क्ड इफ आई वुड कम विद हर, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी सेड विल यू कम विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 146, फिल इन द ब्लैंक विद वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी 146 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सॉ दे सॉ हिम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 147, देखिए क्वेश्चन नंबर 147 एंड 148 ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिलीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे हम, इंसर्ट ए एंड और द इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस, डैश मैन हुम आई स्पोक टू इज डैश सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क,
इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में आ जाएगा आपका द मैन होम आई स्पोक टू इज़ अ सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर। द मोस्ट अप ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश विल बी डैश जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर यानी इसका इंग्लिश मीनिंग देखना है आपको 150 का ऑप्शन नंबर ए होगा मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। तो ये हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, पूरा पेपर चेक कर लिया है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सभी सब्जेक्ट के, आपके किस तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं आप चेक कर सकते हैं। और जो भी बच्चे ये महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको ये पेपर रिवाइज करना है और तो आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी विद आंसर की, तो आप वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।